अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि रूम की जो सेटिंग है वो हम लोगों ने चेंज कर ली थी, और चेंज करने के बाद जो है वो बहुत अच्छा मुझे व्यू लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट ही जो सूरज की रोशनी है, पूरी जो धूप है वो मेरे बेड के ऊपर सुबह में जो है वो आती है, और जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अभी मैं अपना नाश्ता वगैरह जो हूँ वो बना के लेके आई थी, और जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा तो ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चले आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। और हम लोगों ने अपने रूम की जो सेटिंग है वो इस हिसाब से करनी है कि माशाल्लाह से मेरे रूम में जो है वो चार विंडोज़ हैं, और चारों की चारों जो है वो ओपन हो, क्योंकि मेरे रूम से जो बाहर का व्यू है ना माशाल्लाह से वो बहुत मज़े का है। तो अभी बल्कि मैं आपको सबसे पहले तो व्यू दिखाती हूँ। ये देखें कि एक विंडो है जो बेड के बिल्कुल साथ है, और बेड के ऊपर लेट के जो है ना आपको पूरी स्ट्रीट नज़र आ रही है, जो कि बहुत मज़े का जो है वो व्यू लग रहा है। तो खैर आज वेदर जो है वो बहुत ब्राइट है, और मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को लेके जो है वो बाहर जाते हैं, बच्चों की क्योंकि तबीयतें भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा बच्चे भी यू नो बाहर निकलेंगे तो इनको भी फ्रेश एयर मिलेगी और अच्छा फील करेंगे। वैसे भी सर्दी तो है, लेकिन आज जो है ना वो थोड़ा सा ब्राइट सा सनी डे है। ड्राइव दिस कीजिए। हम लोग जाने लगे थे वॉक करने के लिए, और मैंने सोचा था कि शाल को अब चलना आ गया तो ये चल लेगी, लेकिन थोड़ा सा चली और ये टायर्ड हो गई है। तो मैं अभी वापस आई हूँ घर और इसकी स्ट्रॉलर ली है, अब इसको स्ट्रॉलर में बिठाते हैं और थोड़ी सी जो है वो वॉक करते हैं। वेदर बहुत ही ब्राइट था आज, प्यारा सा सनी डे था, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो वॉक करते हैं। रायन अपना स्कूटर चलाएगा और मैं ईशी की जो हूँ स्ट्रॉलर चलाऊँगी, और बीच का जो एक चक्कर है वो लगा के आते हैं। तो यूएस से वापस आने के बाद जो है फर्स्ट टाइम मैं ओशन पे जाने लगी हूँ, और मैं ओशन को बहुत ज़्यादा जो हूँ वो मिस कर रही थी, और 6 मंथ्स के बाद जो हूँ मैं ओशन को देखूँगी। तो आप लोग भी साथ ही चलें और इन्जॉय करें, और थैंक यू सो मच आप लोग अमेरिका के जो व्लॉग्स हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको अमेरिकन के जो मेरे जो अमेरिका के व्लॉग्स हैं वो आगे आगे और ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और बस आप लोगों ने जो है लाइक कर देना, वीडियो को अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब तो मेक श्योर करना ही करना, और साथ में बेल का जो एक आइकन नज़र आ रहा है उसको भी आपने ज़रूर प्रेस करना है। तो माशाल्लाह से ये रहा है जी हमारा प्यारा सा ओशन, और आज जो डे है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बड़ा ही जो है वो सनी डे है। तो खैर मैं रोड क्रॉस कर लूँ फिर वहाँ जाके आपसे बात करती हूँ। ये देखें यहाँ पे कितना अच्छा रूल है कि जैसे आपने रोड क्रॉस करना होता है, तो ये गाड़ी काफ़ी दूर थी लेकिन इसे जो है ब्रेक लगा ली, और यहाँ पर रूल रेगुलेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, जो कि बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिन के बाद अपने ओशन पर आकर, और अभी क्राउड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि स्टिल यू नो अभी तो सर्दी है, लेकिन फिर भी जो है वो आज अच्छा मौसम है, मतलब धूप निकली हुई है, ब्राइट डे है। और वैसे भी मैं काफ़ी दिन से मिस भी कर रही थी वॉक वगैरह को, और अपने बीच को, बीच पे जाके वॉक करने का जो मज़ा है वो अलग ही है। बच्चे भी माशाल्लाह से एक्सीडेंट बच्चे भी माशाल्लाह से जो है ना वो बड़े एक्साइटेड हुए हैं, काफ़ी दिन के बाद बाहर आए हैं, और ये सामने ही बच्चों को जो है वो अपना छोटा सा एक पार्क नज़र आ गया, पार्क तो नहीं कह सकते, बीच राइड्स हैं ये, और बच्चे यहाँ पर जो है वो जाके थोड़ा सा फ़न करना चाह रहे हैं। तो चलें हम भी चलते हैं, कोई पींगे शींगे हम भी थोड़ी सी ले लेते हैं। ईशाल फर्स्ट टाइम जो है वो सैंड पे वॉक कर रही है, जब रायन आया था तो रायन तो पाँव नीचे रख ही नहीं रहा था, और ईशाल जो है ये माशाल्लाह थोड़ी थोड़ी वॉक कर रही है, पर थोड़ी सी डरी हुई है। डैगो और ईशाल फर्स्ट टाइम जो है वो इस तरह के मतलब यहाँ पर जो बीच राइड्स है उसको इन्जॉय करने लगी, पहले तो काफ़ी छोटी थी और अभी जो है माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, और रायन को भी जो है एक न्यू फ्रेंड मिल गया है ईशाल की सूरत में, और अब माशाल्लाह ये दोनों बच्चे जो है वो खुद से ही प्ले किया करेंगे, वरना मुझे बहुत फील होता था क्योंकि रायन अकेला जो है यहाँ पर मतलब खेलता था, और मैं मुझे होता था कि कोई इसका बहन भाई जो है वो होना चाहिए, इसीलिए हमने सेकेंड बेबी भी जो है वो प्लान किया था। Yes, come on. Yeah. ईशाल के हाथों को सैंड लग गई और उसने सेम रायन की तरह से रिएक्ट किया। Yeah, what's happened? Oh, मेरी बेटी के हैंड्स डर्टी हो गए। Yes. बस वो डर गई है सैंड से, पता नहीं क्यों बच्चे जब यहाँ पे आते हैं फर्स्ट टाइम तो बड़ा डर जाते हैं, सैंड को बिल्कुल टच करना पसंद नहीं करते, पता नहीं मेरे ही बच्चे ऐसे हैं या बाकी लोगों के भी जो है वो इसी तरह से ही करते होंगे। ईशो
एक माशाल्लाह से ये जो घर है ये इतना मुझे मज़े का लगता है क्योंकि ये जो जितना भी फ्रंट है ना इसका ये सारा ग्लास का बना हुआ है और मतलब पीछे तक किचन डाइनिंग रूम हर चीज़ जो है मतलब बिल्कुल ओपन है इस घर की और ये मुझे इतना प्रीटी लगता है। रात में जब यहाँ पे आए तो लाइट्स ऑन होती हैं, यहाँ पर खाना शाना बन रहा होता है और डाइनिंग पे जो है वो लोग बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं और मैं सोचती हूँ कि अंदर से कितने जो है वो मज़े का व्यू लगता होगा। तो ये जो एक घर है ना इसका व्यू बहुत मज़े का, ये देखिए सामने बिल्कुल ओशन है, ओशन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये प्यारा सा घर है। अच्छा आप लोग सबसे पहले ये जो सैंड है इसका व्यू चेक करें, मतलब कितनी प्लेन लग रही है। यूजुअली यहाँ पर इतने ज़्यादा जो है मतलब खिचड़ी बनी होती है ना लोगों के पाँव लग लग के, और आज मैंने फर्स्ट टाइम इसको इतना स्मूथ और स्ट्रेट और इतना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सारी किसी ने ना सफाई जैसे करने के बाद नहीं घर नीट नीट लगता है उस तरह का। और बाकी यहाँ पर कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि बीच पे इस टाइम पर पानी में नहा रहे हैं और स्टिल जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो लोग जैसे किसी को वॉक करने का शौक़ है यहाँ पे तो बारिश है तूफ़ान है उसने वॉक ही करनी है। वो देखें वो आ गए मुझे नज़र, अगर कैमरा मेरा आप लोगों को दिखा पाए तो वहाँ पर जो है वो स्विमिंग कर रहे हैं और साथ साथ में जो है वो सन बाथ भी ले रहे हैं और इस शाल जो है यहाँ पर वो सबको बाय बाय बोल रही है। तो हेलो हाय जो है अभी हम लोग वो सिखा रहे हैं, तो यू नो जो बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हैं तो फिर वो हर किसी के साथ जो है शुरू ही रहते हैं। तो खैर ये आ गया है हमारा 7-11, ये अच्छी सी जो वॉक है मज़ेदार सी वॉक करने के बाद फाइनली अभी हम लोग अपने घर जो है वो वापस जाने लगे हैं। और ये रास्ता होता है बेसिकली बोट के लिए, रैन स्लो बेटे, बोट वगैरह के लिए और आम बंदे के गुजरने के लिए जो है वो ये रास्ता होता है। तो खैर आज हम भी बोर्ड वाली जगह से ही जो गुजर जाते हैं और वैसे भी जल्दी से घर जाते हैं। रायन को जो है वो थोड़ी थोड़ी भूख स्टार्ट हो गई है इसीलिए मैं इसको ज़्यादातर लेके भी आई थी, वॉक करने से ना आपको भूख जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक ट्रिक है जिन बच्चों को भूख ना लगती है उनको थोड़ी सी जो है वो वॉक करवा दें तो उनको जो है भूख स्टार्ट हो जाती है। और अभी बस जल्दी जल्दी से घर जाते हैं, जाके बच्चों को कुछ बना के देते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या एक्टिविटी है। खैर अभी तक भी अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को तो जल्दी से कर दो लाइक, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। सो फाइनली वी आर बैक एट होम। व्हाट्स हैपन? यस व्हाट यू वांट इशी काका, यू वांट दिस फ्रेंच फ्राइज और चिकन नगेट्स? What you want to eat? Chicken nuggets or French fries? Yeah. This? Okay. Which one? It's really hot. Don't touch it. It's hot. Mom. ये बच्चों का जो है वो थोड़ा सा खाने पीने का जो इंतजाम हो गया है, चिकन नगेट्स रायन के हैं, फ्रेंच फ्राइज इस शाल के, और इस शाल से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है। तो खैर बच्चों को डिनर वगैरह करवाने के बाद मैंने खुद भी थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी यहाँ पर जो है वो रात का जो डिनर है वो तैयार हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी इसलिए मैंने अपने लिए चाय बना ली, साथ में जो है इसके मैं क्रॉसन जो हूँ उसमें जैम लगा लिया था। और खाना आज मैं यहाँ पर बनाने लगी थी माश की दाल के साथ, जो गोश्त और माश की दाल होता है, क्योंकि दाल खाने का जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। और यहाँ पर बस मेरा आलमोस्ट जो डिनर है वो रेडी हो चुका है और आज हम थोड़ा सा लेट खा रहे हैं खाना, क्योंकि जब से पाकिस्तान से आए ना तो मतलब रात दिन का कोई हिसाब समझ में नहीं आ रहा है भूख का, और बस कभी एकदम से भूख लग जाती है कभी लगती ही नहीं है, वरना 6 बजे हमारा जो डिनर है वो बिल्कुल रेडी होके हम लोग खा लेते थे। तो खैर हम लोगों ने थोड़ा सा लेट डिनर किया था और बच्चों ने जो है स्टिल कुछ भी नहीं खाया था, और रायन क्योंकि फिर सारा सारा दिन ही कुछ नहीं खाता है तो अभी आके उसने कहा था कि मुझे मैकडोनल्ड्स खाना है। उस वक्त रात के आई थिंक 10 o'clock का टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि अब इसने कुछ भी नहीं खाया, मतलब सुबह के वही 3-4 जो नगेट्स खाए हुए हैं वही खाए हुए हैं, सारा दिन से कुछ नहीं खाया है, तो इसीलिए हम लोग लेके इसको मैकडोनल्ड्स पर आ गए थे कि यहाँ से एटलीस्ट ये कुछ ना कुछ जो है वो खा लेगा। और इसको मैं डॉक्टर को भी चेक करवाती हूँ क्योंकि इसको बिल्कुल भी नहीं लगती है, इसीलिए कि जब कभी जो भी बोल देता है कि मुझे ये खाना है हम फौरी तौर पे इसको वही ले देते हैं कि एटलीस्ट बच्चा कुछ खाए तो सही। तो खैर आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको ज़रूर लाइक कर दिया करें, इसके बाद सब्सक्राइब तो आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पर भी आपने मुझे करना है ज़रूर फॉलो, सेम नेम है सेम लोगो है तैयबा व्लॉग्स। और इंशाल्लाह ताला आपसे मेरे जो व्लॉग हैं वो डेली आ रहे हैं, भले आप लोगों को नोटिफिकेशन आए ना आए, रिंग बेल हो ना हो, आप लोगों ने सेम टाइम पे मेरे चैनल पर आना है और आपको न्यू और मज़ेदार सी जो वीडियो है वो मिल जाएगी।
और थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। और यहाँ से यहाँ पे ये कुछ मिले थे बच्चों को मैकडोनल्ड के साथ, पहले टॉय मिलते थे वो अच्छे थे, लेकिन ये बुक थी, है रीडिंग बुक। तो खैर अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।